अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। वेलकम करते हैं आपका अपने एसजे पेट्स क्लब यूट्यूब चैनल पे। तो जी फ्रेंड, आज संडे का दिन है और गर्मी भी बहुत है, और जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में गाँव को कितनी गर्मी लगती है, लेकिन आज अनाया चाहती है कि अपने पपी को वो खुद से नहलाए, तो उसने अपना ये कप लिया है जी। ये बचपन में खुद नहाती थी जब छोटी थी, तो आज ये कह रही है माया को इसमें नहलाएंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, माया को नहलाते हैं और अनाया आज नहलाएगी। मैं देखो बताओ फ्रेंड्स को, आज अनाया नहलाएगी अपनी फ्रेंड माया को। देखिए जी, माया एडजस्ट हो गई अपने छोटे से टब में। है तो छोटा है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रही, लेकिन ज़बरदस्ती वो एडजस्ट हो गई। और आज माया अनाया की जिद थी कि माया को वही नहलाएगी, लेकिन जस्ट वो फॉर्मेलिटी नहलाएगी, बाकी काम तो मुझे ही करने हैं। तो देखें जी अनाया किस तरह से माया को नहलाती है, देखते हैं। पापा, जी जी, नहलाओ नहलाओ, हाँ करो करो। तो देखें जी अनाया किस तरह से अपने पपी को आज नहला रही है, और देखें फ्रेंड्स को बताओ बिना कि आप पपी को कैसे नहलाना, पपी को कैसे नहलाना, और ये देखिए कैसे नहला रही। देखिए देखिए फ्रेंड्स, अनाया कैसे नहला रही है अपने पपी को। जो जी फ्रेंड्स, और ये देखिए इसको अच्छी तरह से नहला रहे हैं पापा। और पानी, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर भी करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर इसलिए किया करें जो लोग शौकीन हैं डॉग्स के, ताकि उनको बेहतर से बेहतर टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सके अपने डॉग की केयर करने के हवाले से। तो जी फ्रेंड, ये हमेशा की तरह जी ये देखें बायोटिन स्क्रब माया पे हम डालेंगे जी, और इसको अच्छे से हम रब करेंगे। चलो रब करो, रब करो ना। क्यों, क्या आप ले लाओ, कुछ नहीं आप ले लाओ, रब करो रब। देखो फ्रेंड्स को बताओ, आपने बायोटिन लगाया? मैंने बायोटिन लगाया, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ठीक है जी, आपने सुना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और अनाया अपनी माया को किस तरह से रखती है आप ये भी देखें इस वीडियो में ना। देखिए फ्रेंड्स, माया को किस तरह नहलाया जा रहा है अनाया के जरिए। आज अनाया की छुट्टी जी, मैं खुद ही नहलाऊंगी अपने पति को। इसको बोलो कि बाहर नहीं निकले। ऐसे रब करो, फ्रेंड्स को बताओ ऐसे ऐसे रब करते हैं, ऐसे ऐसे रब करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पसंद है नाया के साथ खेलना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, ये माया और नाया एडजस्ट कर गई है एक ही टब में। अब नाया चाहती है वो भी जो है माया के साथ नहा ले, तो नीचे करो। ये वाला शैम्पू है जी मेरे पास, पिक्स एंड सीज का, बहुत अच्छा शैम्पू है, इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, दिखाया था, तो इसकी फ्रेगनेंस भी अच्छी है, और इससे जो है ना पिक्स एंड सीज भी नहीं होते, यानी मरते नहीं है, लेकिन इनकी बॉडी पे चढ़ते भी नहीं है। देखिए इसको अच्छे से रब कर लेंगे इस तरह से। अब अनाया तो बुलाए नाम ही कीजिए आज, बाकी ड्यूटी उसने मुझे दे दी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रब कर लेंगे। शैम्पू भी हो गया माया को, और इसको पानी से अच्छे से साफ कर लेंगे, फिर इसको ड्राई मशीन से सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, लो ड्राई, आज माया जो है फ्रेश हो जाए और हैप्पी हो जाएगी। गर्मी है आज बहुत ज़्यादा, बड़े ध्यान से जी इसका फेस साफ करना होता है, ताकि इसके मुंह में, नाक पे, कानों में पानी ना चला जाए। तो कानों का स्पेशली ख्याल किया करें जब भी आप अपने डॉग को नहलाएं, और आइज का और नाक का ख्याल करें, ताकि उसमें पानी ना जाए। इस तरह हाथों की मदद से अच्छे से रब कर लें, उसका फेस ग्रिप करके अपने पास, तो ऐसे ही। अब देखें, बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन नया नहला तो नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा सेफली, आपके बच्चे भी अगर आपने पपी को नहलाएं तो आप सेफली पास हों, ताकि बिना वजह कानों में, मुंह पे, आंखों में, नाक में पानी ना फेंके।
जी फ्रेंड्स, माया एकदम से रेडी हो गई है और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में जो भी डॉग्स का शौक रखते हैं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको भी मिल सके। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इसमें माया कुछ स्लोमो शॉट में डाल रहा हूँ, वो भी देखें, इंजॉय करें। फिर मिलते हैं जी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।